हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया गया है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग चेंजेस हैव टेकन प्लेस विद एन एग्जांपल ऑफ ईच। हम लोग को कुछ एक केमिकल इक्वेशन लिखना है जिसमें ऐसा कुछ चेंजेस होता है। पहला है चेंज इन कलर। ओके, तो हम लोग को कुछ ऐसा एग्जांपल लेना है, एक ऐसा इक्वेशन दिखाना है जहाँ पर कलर चेंज होता है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर एक एग्जांपल में कॉपर सल्फेट CuSO4, जिसका कलर होता है ब्लू। जब ये इसमें फेरस ग्रैनुअल डालते हैं, मतलब कि आयरन का कुछ छोटा छोटा टुकड़ा डालते हैं, तो ये बन जाता है Fe SO4 + Cu। यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और जब ये फेरस सल्फेट बनता है तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है। ये रिएक्शन होने का रीज़न ये है कि फेरस जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, जो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और फेरस सल्फेट बनाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो चेंज इन कलर का एक एग्जाम्पल आपको को दिखा जो कि इक्वेशन के फॉर्म में है। दूसरे के बारे में बात करें तो दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर। वी हैव टू डिस्कस अबाउट चेंज इन टेम्परेचर। तो ऐसे भी बहुत सारे रिएक्शन है जहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कोई एंडोथर्मिक होता है, कोई एक्सोथर्मिक होता है। तो अगर चेंज इन टेम्परेचर के बारे में बात करें तो हम लोग के घर में LPG जो यूज़ किया जाता है उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो ब्यूटेन होता है, जिसको C4H10 से डिनोट करते हैं। वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है और जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ में वाटर वेपर बनाता है, और इसके साथ साथ हम लोग को लॉट्स ऑफ हीट देता है। तो हीट यहाँ से निकलता है और साथ साथ में लाइट भी देता है। तो यहाँ पर हीट क्या है, चेंज हो रहा है। यहाँ पर अगर LPG 1 ग्राम जल जाएगा तो 50 किलो जूल हीट ये क्रिएट करता है। तो पहले से हीट जब चेंज होता है, यहाँ हीट प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल रहा है, तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और जहाँ पे हीट चेंज होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पर हीट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। नाउ लास्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो कुछ ऐसा रिएक्शन दिखाना है जहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता हो। अगर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसका रिएक्शन हम सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से कराते हैं, तो रिएक्शन करने के बाद AgCl का एक प्रेसिपिटेट बनाएगा जो कि नीचे बैठ जाएगा और NaNO3 बनाएगा। तो यहाँ पे ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो आई होप ये तीनों इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।